नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्याग। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। ऋषिकेश और हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एक एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना कराने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कोविड केयर सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि है। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तराखंड के सीमांत जिले सामरिक से भी महत्वपूर्ण है। लक्सा के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली और नशीली दवाइयां बेचे जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर दो मेडिकल स्टोर पर ताले जड़ दिए। वहीं दो मेडिकल स्टोर से सैंपल भी लिए गए। पिछले कुछ समय से लक्सा के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली दवाई बेचे जाने के साथ साथ नशीली दवाइयों का कारोबार किए जाने की लगातार शिकायत ड्रग इंस्पेक्टर को मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स की सब इंस्पेक्टर प्रियंका भारद्वाज के साथ संयुक्त रूप से लक्सर के खंडजा, कुतुबपुर और बीजोपुरा गांव में छापेमारी की गई। कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे जो है नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं लोगों द्वारा, और कुछ नशीली दवाइयों का भी वितरण यहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किया जा रहा है। तो इसी के चलते मेरे द्वारा जो है खुर्द और कुतुबपुर खड़ंजा मेजोपुरा यहाँ पर कुछ इंस्पेक्शन किए गए। वहाँ पर लगभग 6-7 मेडिकल स्टोर थे, जिनमें से 3-4 मेडिकल स्टोर मैंने चेक किए हैं, बाकी जो है भाग गए थे। और फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर तो मेरे द्वारा बंद कर दिए गए हैं, और बाकी 2 मेडिकल स्टोर जो खुले थे उनके पास लाइसेंस था, और वहाँ से मेरे द्वारा 5 सैंपल लिए गए। लालकुआ में ओवरलोडिंग के खिलाफ शिकंजा कसने में प्रशासन लापरवाही लगातार बरत रहा है। रात दिन ओवरलोड वाहन फर्राटा भर रहे हैं और रोजाना सैकड़ों की संख्या में रेत बजरी लेकर ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं। ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना की नौबत बनी रहती है। पाबंदी के बावजूद भी फर्राटा भरते ओवरलोड ट्रक शहर से गुजरते हैं। अकेले लालकुआ क्षेत्र से ही रेता बजरी भरे ओवरलोड ट्रकों की संख्या सैकड़ों की संख्या में होती है, जो कि क्षेत्र में संचालित क्रेशरों उपखनिज दूसरे राज्य तक जाते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों की लागत से बनी सड़कें ध्वस्त हो रही हैं और सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात देवेंद्र पिंचा ने बताया कि ओवरलोड के खिलाफ पुलिस का अभियान निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर ओवरलोड में कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और ओवरलोड किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेसिकली ओवरलोडिंग मेरी जानकारी में शायद ना हो रही हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको भी चेक कराऊंगा, क्योंकि हर जगह बॉर्डर पे आपको पता ही है, चाहे यहाँ हो या उधम सिंह नगर, हर जगह आज की डेट में पुलिस लगी हुई है, हर जगह चेकिंग हो रही है। अगर उनके सामने से ओवरलोड निकल के जा रहा है तो फिर ये गलत बात है, ऐसी कोई होगी तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लालकुआ में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए थाली और शंख बजवाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारियों को कर्फ्यू से राहत देने और बाजार खोलने की अनुमति न मिलने तक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी उन्होंने दी। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम के तहत रेलवे स्टेशन चौराहे पर पहुंचकर थाली और शंख बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया और सरकार से जल्दी दुकानें खोलने की मांग भी की। उनकी तरफ से आज ये कार्यक्रम किया है, हमने थाली बजाओ। हमारी मांग है कि सारी दुकानें खुलें, भले एक घंटे खुलें, लेकिन सारी दुकानें खुलनी चाहिए। सारा व्यापारी इसमें बेरोजगारी से तंग है, घर में बच्चे पालना मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।